समय के साथ साथ पैसे और सामान दोनों की बचत होती है तो हमारी डेली लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेके आ गई हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा सबसे पहला टिप है वॉल या फ्लोर के ऊपर। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अधिकतर ऐसा होता है ना कि जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो फ्लोर पे या वॉल पे कहीं भी क्रियॉन्स या पेन से कुछ न कुछ वो ज़रूर कलरिंग या कुछ भी डिज़ाइन बना देते हैं जिसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हम कितनी भी कोशिश कर लें वो छूटता ही नहीं है और देखने में भी बहुत ख़राब लगता है। तो इसे छुड़ाने के लिए आज मिलाई हूँ एक बेहतरीन सा टिप्स जिसकी सहायता से आप बहुत ही ईजिली इसे रिमूव कर सकते हैं। बस करना क्या है, आप जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ब्रश करने के लिए उसे थोड़ा सा हाथों से पूरे वॉल पे या फ्लोर पे उस जगह पे इसे लगा दीजिए जहाँ पे कलर किया हुआ है और उसे 1 से 2 मिनट तक छोड़ दीजिए। 1 से 2 मिनट हो जाने के बाद आप इसे किसी टिश्यू पेपर, पेपर टॉवल या आपके घर में कोई कॉटन का कपड़ा है तो उससे भी आप इसे अच्छे से फोल्ड करके और उस जगह पे थोड़ा रब कर दीजिए और देखिएगा कि ये तुरंत ही पूरा कलर जो हुआ है वो छूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी ईजिली ये कलर छूट रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है, बस थोड़ा सा रब करना है और कलर एकदम गायब हो जा रहा, लग ही नहीं रहा है कि वहाँ पे पहले कभी कलर हुआ भी था। तो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही कमाल का टिप्स, इसे फॉलो करिए और अपने घर की दीवारों या फ्लोर को फिर से चमचमा लीजिए। कोई टेंशन नहीं है, बच्चे अब कहीं भी कलरिंग करेंगे हमें उसके छुड़ाने का उपाय तो पता ही चल गया है। और आप देख सकते हैं कि इसे छुड़ाते समय वॉल का जरा भी पेंट भी बाहर नहीं निकला है। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। आज का मेरा दूसरा टिप्स भी बहुत ही यूज़फुल है, ये कांच के बर्तन के ऊपर है। जब भी हम कोई भी सामान बाहर से लेके आते हैं जैसे जैम, अचार या कुछ भी, जब वो ख़त्म हो जाता है तो उस शीशे के जार को हम फेंकते नहीं हैं बल्कि उसे धुल के वापस से यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम उसे वापस से यूज़ करने जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ स्मेल उसकी रही जाती है, जो भी सामान उसमें पहले रखा हुआ हो। तो उस स्मेल को हटाने के लिए मैं यहाँ पर एक बेहतरीन सा टिप्स लेके आई हूँ। बहुत ही आसान टिप्स है, बस आपको एक माचिस की तीली जलानी है और उस जार के अंदर इसे डाल देना है और डालते ही इसे कवर कर देना है, लीड बंद कर देना है और इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप देखेंगे ना कि जो पूरा धुआं है वो चारों तरफ फैल जाता है और इसमें जो भी पहले की स्मेल होती है ना वो तुरंत ही हट जाती है। 1 मिनट के बाद ढक्कन को खोल लीजिए और इसे अच्छे से पोंछ के दोबारा से इसे यूज़ कर लीजिए। अब आप इसमें कुछ भी रखें, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो है ना ये एक बेहतरीन सा टिप्स। चलिए अब देखते हैं अपना तीसरा टिप्स। आज का मेरा तीसरा टिप्स ऑनियन के ऊपर है। जब कभी हम ऑनियन यूज़ करते हैं और आधा बचा ही रह जाता है तो उस बचे हुए ऑनियन को हम बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, बाहर छोड़ने से ऑनियन ख़राब हो जाता है। तो इसे करना क्या है ना कि जो भी आप खाने वाला तेल यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, उसे ऑनियन के कटे हुए भाग में ऐसे अच्छे से रब कर दीजिए और उसके बाद इसे किसी प्लेट में उल्टा करके फ्रिज के अंदर रख देंगे ना तो ये 1 से 2 दिन तक बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा और ऑनियन की जो स्मेल है वो भी फ्रिज के अंदर नहीं फैलेगी। तो है ना ये एक बेहतरीन सा टिप्स। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने चौथे टिप्स की तरफ। मेरा आज का फोर्थ टिप्स है मेडिसिन के ऊपर। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी टिप्स है। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि मेडिसिन जो हम यूज़ कर रहे हैं उस पर बहुत ही छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी डेट लिखे होते हैं या किस चीज़ों से ये मिलके बना हुआ है वो सब हमें देखना होता है और साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो उसके लिए मैं एक बेहतरीन सा टिप्स लेके आई हूँ। करना क्या है, आपको अपने फ़ोन से उसका फ़ोटो ले लेना है, उसके बाद उसे आप अगर जूम करके देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा और आँखों को भी ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना एक बेहतरीन सा टिप्स। और अब चलते हैं अपने 5th टिप्स की तरफ। आज का मेरा 5वां टिप्स है भगोने और स्पून को लेके। जब कभी ऐसा होता है कि बड़ा भगोना हो और छोटा सा स्पून हो तो जब भी हम उसमें कोई सामान रखते हैं तो स्पून उसके अंदर बार बार चला जाता है। स्पून भगोने या पतीले के अंदर न जाए तो उसके लिए आपको करना क्या है, 2 या 1 रबड़ बैंड ले लेना है और उसको स्पून के ऊपर जैसे मैं लगा रही हूँ उस तरीके से लपेट देना है अच्छे से। और अब इस स्पून को आप किसी भी बड़े बर्तन में आराम से रखिए, ये स्पून उसके अंदर नहीं जाएगा।
और ये देखिए, मैं इस भगोने को घुमा के भी दिखा दे रही हूँ, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है अब। तो है ना फ्रेंड्स, ये एक बेहतरीन सा टिप्स। अब चलते हैं अपने छठवें और सबसे यूजफुल टिप्स की तरफ, जिसको यूज़ करके आप अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। अधिकतर क्या होता है कि जब हम पुराना कोई स्वेटर या जैकेट, कोट, कुछ भी होता है, जब वो उसमें रोएं निकलने लगते हैं तो हम उसे हटा के जाके मार्केट से तुरंत नया कोई स्वेटर लेते आते हैं। या फिर आपका कोई फेवरेट जैकेट या स्वेटर होता है जिसे आप पहनना तो चाहते हैं लेकिन रोएं निकलने की वजह से आप उसे पहन नहीं सकते हैं, तो इस रोएं को हटाने के लिए मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही बेहतरीन सा एक टिप्स, जिसको यूज़ करने से आपके फेवरेट जैकेट स्वेटर के सारे रोएं तो निकलेंगे ही, साथ में ही वो एकदम नए जैसे दिखने लगेंगे। किसी भी कपड़े में से रोएं को हटाने के लिए चाहिए आपको एक स्क्रबर। स्क्रबर आपको घर में ज़रूर से मिल जाएगा, क्योंकि स्क्रबर का यूज़ तो हम करते ही हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि स्क्रबर नया होना चाहिए, जिससे हम बर्तन धुलते हैं वो नहीं। और साथ में ही अगर स्क्रबर न हो तो आप एक रेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस स्क्रबर की सहायता से जहाँ पे भी रोएं हैं वहाँ पे रगड़ते हुए देखिए क्लीन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से क्लीन हो रहा है, और जितने भी रोएं हैं ना वो सारे स्क्रबर में आके फंस जाते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे सारे रोएं फटाफट से निकल जाते हैं, और इस स्क्रबर को यूज़ करने से आपके कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे इसमें रोएं आके फंस गए हैं, कितने अच्छे से ये दिख पा रहा है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाती हूँ। अगर आपके पास स्क्रबर न हो तो रेजर तो घर में होगा ही, अगर रेजर ही है आपके पास तो उसकी सहायता से भी आप रोएं को बहुत ही आसानी से, या कोई भी कपड़ा हो जिसमें रोएं हो उसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए रेजर से भी कितने अच्छे से निकल जा रहा है। बस रेजर को यूज़ करते समय ध्यान देना है कि रेजर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको ये दोनों तरीके बताए हैं, रेजर से और स्क्रबर से, दोनों से ही बहुत अच्छे से रोएं बाहर निकल जाते हैं। इन दोनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे रोएं को हटाने में यूज़ कर सकते हैं, और वापस से अपना फेवरेट कपड़ा पहन सकते हैं। तो है ना ये कमाल का टिप्स। आई होप कि मेरा ये टिप्स आपको बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का बहुत ही बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।